नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरी विशेष। आज का दिन खास है। खास क्यों है? क्योंकि आज हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का जन्मदिवस है। हमारी पूरी खबरी टीम की तरफ से अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। अमित शाह एक राजनीतिज्ञ हैं, साथ ही साथ भारत देश के गृह मंत्री हैं। इससे पहले अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, गुजरात राज्य के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। 2019 में लोकसभा के लिए गांधीनगर से वे सांसद के रूप में चुने गए। इसके पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद कश्मीर से 370 हटाने में उन्होंने बड़ा फैसला लिया, जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में असंभव सा माना जा रहा था। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। वे गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंधित हैं। उनका परिवार एक गुजराती हिंदू वैष्णव बनिया परिवार है। इनके पिता का नाम अनिल चंद्र शाह बताया जाता है और उनका अपना एक व्यापार हुआ करता था। इनकी माँ का नाम कुसुम्बा था। उनका गाँव पाटड़ जिले के एक चंदूर में है। मोहसाड़ा में आरंभिक शिक्षा के बाद जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने जैव साइंस में बीएससी की। उसके बाद उनके पिता का व्यवसाय संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मानसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक व्यवसाय संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की भेंट नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में ही राजनीतिक रुझान बन गया था। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका 1991 में मिला, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका उन्हें 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 2012 में नारनपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया। 12 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तब प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें थी। उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा तब लगा जब 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की। अमित शाह की खेलों में भी बड़ी रुचि थी। वे 2006 में गुजरात शतरंज संघ के अध्यक्ष, 2009 में केंद्रीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और 2014 में गुजरात राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2009 में गुजरात राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अहमदाबाद के सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शतरंज की शुरुआत की। यदि आप उनके छात्र जीवन को देखेंगे तो उन दिनों उन्होंने कई अवसरों पर मंचीय प्रस्तुति दी थी। आज अमित शाह जी को पूरी खबरी टीम की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।